हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं एनिमेटेड वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। तो हमारे राइटर के नेम है एनिश जुंग। कई बार रास्ते पे जाते हुए उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि कई बच्चे कचरे के ढेर में चले आते हैं और बहुत ही शिद्दत से कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते रहते हैं, और इस तरीके से ढूंढते हैं कि जैसे एक समुद्री लुटेरा खजाना ढूंढ रहा हो। तो वो एक दिन बच्चे के पास जाती है और पूछती है, बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं, मुझे मम्मी पापा यही काम करने को कहते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उन्होंने मेरे लिए स्कूल बनवाए ही नहीं, अगर बनवाते तो चला जाता। अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ मैम, जरूर आऊंगा। ठीक है। मैम, आपका स्कूल बन गया क्या? नहीं बेटा, स्कूल बनने में समय लगता है। मैंने इस बच्चे से झूठे वादे क्यों किए? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा नाम साहिब आलम है। इसके नाम का मतलब है पूरे दुनिया का राजा, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टे है। इसका जिंदगी एक भिखारी के जैसा है। एक दिन मैडम खिड़की से बाहर वापस सभी बच्चों को कचरे चुनते देखती है और वो ऐसा नोटिस करती है कि सभी बच्चे अपने पैरों में जूते नहीं पहने हैं, और फिर वो अपने मन में ही सोचती है कि इन सब बेयरफुट लड़कों के माता पिता के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो इन्हें जूते दिला सके। फिर एक दिन राइटर बच्चों के पास जाती है और पूछती है, ऊपर वाले अलमारी पे रखा है, मैं उसे निकाल नहीं पाता हूँ इसलिए नहीं पहनता हूँ। आंटी इनकी मम्मी जूते ला भी दे तो भी ये ना पहने। मेरे को जूते चाहिए। इन बच्चों के लिए जूते पहनना एक सपने से कम नहीं है। ये सब देखने के बाद ऑथर को आज से कई साल पहले की एक बात याद आ जाती है, जब वो उदीप नगर गए थे और वहाँ पे एक मंदिर विजिट कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि मंदिर के जो मेन पुजारी है उनका बेटा पैरों में जूते नहीं पहना है, और इसीलिए वो जब भी स्कूल जाने लगता है तो भगवान से प्रे करता है कि मुझे जूते दिला दो। और अभी कुछ ही दिन पहले जब वो वापस उदीप नगर गए थे तो वो उसी मंदिर में गए थे, और अब वहाँ का पुजारी चेंज हो चुके थे और उनका बेटा अब स्कूल जाता है और उनके पैरों में भी जूते थे। आज उस पुजारी के बच्चे के पैर में भी जूते आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत में इतनी गरीबी है कि कई बच्चे बिना जूते के घूमते हैं। हाँ मैं एक काम करती हूँ, इनकी मम्मी पापा से जाकर मिलती हूँ और इनके इतने गरीब होने के पीछे का कारण जानती हूँ। और फिर क्या, ऑथर चली जाती है सीमापुर। सीमापुर में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और गंदे स्मेल आ रहे थे। वैसे सीमापुर दिल्ली से जस्ट बाजू में ही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली से कई गुना पीछे। सीमापुरी में रहने वाले लोग सब बांग्लादेशी थे जो 1970 के वॉर के टाइम पे भागकर इंडिया आ गए थे, और ये साहब भी उन्हीं का बच्चा था। आप लोग यहाँ कैसे रहती हो? ये सरकारी जमीन है तो कोई कुछ बोलता नहीं है? मैडम यहाँ हमारे जैसे 10,000 से ज्यादा लोग 1970 से रह रहे हैं। हमारे पास रहने का परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता हैं वो हम सबको वोटर आईडी बनाकर दिए हैं, और इन्हीं के वजह से हमारा नाम राशन कार्ड पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दो वक्त की रोटी मिल जाती है और राजनेताओं को वोट मिल जाता है। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? आपका ढाका तो इतना अच्छा है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? हम यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिल जाती है। भले ही ढाका में हमारा जन्म हुआ हो, लेकिन जहाँ हमें खाने को ही ना मिले तो ऐसी आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे?
साहेब। बेटा, तुम अब ये बर्तन लेकर क्यों घूम रहे हो? वो जो गली की आगे दुकान है, मैं उसमें काम करता हूँ। वहाँ काम करने का मुझे 800 रुपये महीने का मिलता है और दिन भर में 3 बार खाना भी मिल जाता है। क्या ये काम तुम्हें अच्छा लग रहा है? और यहीं पे हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है। तो आइए दोस्तों, पार्ट टू को समझने के लिए हम लोग चलते हैं फिरोजाबाद और वहां पे हम लोग मिलते हैं मुकेश। ये बैंगल्स जो आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसे बनाने के लिए कितने ही घर के लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया है। फिर भी उन लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और उसी फैमिली से बिलोंग करता है मुकेश। तो आइए पार्ट टू में समझते हैं हम लोग इस स्टोरी को डिटेल में। तो जब वो फिरोजाबाद जाती है तो वो मिलती है मुकेश से और वो पूछती है कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे आगे चलकर मोटर कार मैकेनिक बनना है और गाड़ी चलाना है। ये काम इतना खतरनाक बैंगल बनाने के फैक्ट्री में करता है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसको आगे चलकर मोटर कार मैकेनिक बनना है। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, मेरा घर अभी नया बना है। और फिर ऑथर मुकेश के घर जाती है और जब ऑथर मुकेश के घर जाती है तो वो देखती है उसका घर पूरा टूटा फूटा था। मुकेश अपने घर के गेट को लात मारकर खोलता है और जब ऑथर अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक 21 साल की लड़की खाना बना रही थी और चारों तरफ धुआं धुआं था। फिर ऑथर मुकेश से पूछती है कि ये दीदी कौन है? ये मेरी भाभी है, भाई की पत्नी। और तभी मुकेश के पापा और भाई वहां आ जाते हैं तो वो लड़की तुरंत अपने आप को घूंघट में ढक लेती है। उसके बाद ऑथर मुकेश के दादी के पास जाती है तो दादी जी कुछ इस तरीके से रिप्लाई देते हैं, हम लोगों का काम ही यही है, हम लोगों को यही करना है। मुकेश के दादाजी भी यही काम करते करते अपना आंख खो दिए। मुकेश के पिताजी बहुत कुछ ट्राई किए लेकिन क्या हुआ, आज ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पाया और ना ही एक घर बना पाया। इसीलिए इन कारखानों में काम करना ही हमारे लिए सब कुछ है और यही हमारी किस्मत में भी शायद लिखा हुआ है। और फिर ऑथर मुकेश के घर से बाहर निकल जाती है और वो जब रास्ते में जा रही थी तो एक घर देखती है। उस घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सविता था। वो उम्र में तो बहुत छोटी थी लेकिन कांच पिघलाने जैसा कठिन काम बहुत ही तेजी से कर रही थी। तो वहीं एक अंकल और एल्डरली लेडी खड़ी थी, उनके पास जाकर ऑथर पूछती है कि ये इतनी तेजी से इतना खतरनाक काम कर रही है, इसको कोई दिक्कत हो गई तो? मैम, इतना मेहनत करने के बाद भी आज तक हम लोग पेट भर कर एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाए हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत किया लेकिन सिर्फ इतना ही कर पाया कि अपने परिवार को रहने के लिए उनके लिए टूटे फूटे घर बना पाया। फिर ऑथर वहीं पे खड़े कुछ यंग बॉयज को देखते हैं और उनसे बात करने जाते हैं। आप लोग तो इतने यंग हो, आप लोग चाहो तो खुद को बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आंदोलन कर सकते हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हो और भी बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आप लोग चुप क्यों हो? मैम, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करने की कोशिश करते भी है तो पुलिस वाले इल्लीगल कहकर हमें जेल में डाल देते हैं। ये सब सुनने के बाद ऑथर वापस अपने घर के तरफ जाने लगती है तो वापस उन्हें रास्ते में मुकेश दिखाई देता है। क्या तुम अब भी मोटर कार मैकेनिक बनना चाहोगे, इतने मुश्किल सहने के बाद भी? हाँ हाँ, मैं मैकेनिक ही बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी हो। काश ये इस दलदल से निकलकर आगे चलकर अपना सपना पूरा कर पाए। और फिर ऑथर वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है और यहीं पे हमारा लेसन खत्म होता है। तो इस लेसन से हम लोगों ने ये सीखा कि आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है कि साहेब जैसे कई लड़के अपना सब कुछ छोड़कर
अपना पेट भरने के लिए धीरे धीरे करके खुद को खत्म कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से बढ़ने लगेगी कि करियर बनाने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।